संविधान सम्मान सम्मेलन में जोग दे पुणी थरे सही प्रसंग उठाई राहुल तबे एने से जो उदाहरण देले ताकु ने बीजेपी करिछि जोरदार अटैक। राहुल गांधी मिस इंडिया प्रतियोगितार उदाहरण दे कहिछंती से तालिका देखिछंती तबे सेथिरे जणे भी ओबीसी आदिवासी कि दलित वर्गर महिला नहंती आ जहाकु नै कड़ा प्रतिक्रिया देछि बीजेपी। अनेक बीजेपी नेता एने राहुल को समालोचना करथिबा बेले कांग्रेस सहित अन्य सहयोगी नेता किंतु राहुल को जातिभित्तिक जनगणना मंतव्य को जणाइछंती समर्थन आ जहाकु नै एबे राजनीतिक माहौल खूब सरगरम। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। विरोधी दल नेता राहुल गांधी को मंतव्य को नहीं एवं राजनीति सरगरम, विशेषकर बीजेपी नेता यह कड़ा आपत्ति जारी कर राहुल मंतव्य को कड़ा भाषा समालोचना करने डाक्तर को देखा परामर्श दे किसी नेता। प्रथम शुणी निंतु राहुल के मंतव्य को नहीं बीजेपी भली प्रतिक्रिया रखी। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं, मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है, मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। शुणिले तो राहुल गांधी को मंतव्य, उत्तर प्रदेश प्रयागराज अनुष्ठित संविधान सम्मान सम्मेलन में जोग दे राहुल गांधी जातिभित्तिक जनगणना उपरे जोर दे से अभियोग कर 90% लोकंक विभिन्न क्षेत्र में कौन सी सहभागिता रहुनी, एने से मिस इंडिया प्रतियोगितार उदाहरण देते। राहुल कहते मिस इंडिया तालिकार दलित आदिवासी की ओबीसी महिला को देखुना तेज राहुल को मंतव्य को सहजरे ग्रहण करें बीजेपी, यहाँ कड़ा भाषा समालोचना करने राहुल को बर्षे बीजेपी नेता। कितनी अजीबोगरीब और शर्मनाक बात है कि देश के पार्लियामेंट का एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक फेरिस देख रहा है मिस इंडिया की और देख रहा है कि कौन किस कास्ट की है, मतलब इतने हल्के में इतने बड़े संघर्ष को, इतने गंभीर मुद्दे को आंकना और उसको अपनी राजनीति से जोड़ना, मतलब परिपक्वता की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है, वजन की जो कमी है वो साफ दिखती है। इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है, उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? गोटे पटे बीजेपी नेता राहुल को टारगेट करुवा बेले कांग्रेस नेता किंतु राहुल को बयान को ठीक बोली दर्शाई। देश में एवं भी दलित आदिवासी की ओबीसी पक्ष रही कांग्रेस नेता अभियोग कर ये सही है कि देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी के अंदर, सरकारी मुलाजमों के अंदर SC ST OBC और मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। बिल्कुल राय शुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी है। जातीय जनगणना इस देश के ओबीसी एससी एसटी समाज के बीच में एक बहुत बड़ी डिमांड है और जातीय जनगणना किए बगैर आप उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति भित्तिक जनगणना को नहीं कांग्रेस समेत तो अन्य विरोधी दल नेता जोरदार दावी करुछंती तबे पूर्व कांग्रेस सरकार रो उदाहरण दे कांग्रेस को टारगेट करिछि बीजेपी जापने एबे राजनीति सरगरम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।